हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो दोस्तों, ये जो है मेरे पास आप देख रहे हैं, ये आलू के पीस हैं। ये मैंने आलू एक लेके छोटा सा, और मैंने उसके दो हिस्सों में इसको लेफ़्ट और राइट से कट कर लिया है। तो आप भी किसी छोटे से आलू को ले लीजिए, बस उसमें ये देख लीजिए आप कि ये ऊपर से थोड़ा सा स्पाउटिंग इसकी निकली हो, जहाँ जहाँ से उठे हुए हों थोड़े से। तो ये दोनों के अंदर है यहाँ पर ऐसे इस तरह के पॉइंट। तो आप ऐसे आलू एक देख सकते हैं, या फिर जिनके ऊपर हरे हरे से कॉम्प्लेंसी निकली होती हैं आप वो ले सकते हैं। तो अब आपने जो कंटेनर लेना है वो आप ज़्यादा इसको नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पौधा लगा रहे हैं अभी। फिर इसको पौधा लगने के बाद हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ड्रेनिंग होल किए हुए हैं इसके चारों तरफ। आप किसी भी प्रकार का एक डिब्बा सा, एक वेस्ट कोई भी ले सकते हैं जो 1.5-2 इंची का हो। और ये जो मेरे पास है, ये मैं मिट्टी अपने गार्डन की मिट्टी है, और ये मेरे पास जो है रेत है, जिसको हम रिवर सैंड भी कहते हैं। इनको आप मिक्स कर लीजिए दोनों को बराबर मात्रा में। आलू के लिए जो ये प्लांट के लिए, ये अगर आप दोनों चीज़ें मिक्स कर देंगे तो ये इसके लिए पर्याप्त है। और आपको कोई बहुत बड़ा आलू लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आपको ये दो छोटे छोटे जो मैंने टुकड़े काटे हैं, इन्हीं से ही आपका काम हो जाएगा, और इसी से आपको ढेरों आलू मिलने वाले हैं। तो आप इस तरीके से आप आलू को बड़े ही आसानी से अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको अगर आप एक बड़े कंटेनर में लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसके नीचे बल्ब टाइप से बनते हैं, जैसे अरबी के होते हैं, तो ये अंदर ही अंदर फैलते चले जाते हैं। तो आप इसको एक बोतल से, स्प्रे से आप इसको पहले थोड़ा सा गीला कर लें, जिससे कि इसकी जो मिट्टी हमने ये डाली है थोड़ी सी बैठ जाए, और इसकी जो हवा है इसके अंदर से वो सारी की सारी बाहर आ जाए। आप ज़्यादा पानी ना दें। अब उसके बाद आपने ये एक बात का और ध्यान रखना है कि इसके अंदर आप गैपिंग है जो, ये आप गैपिंग का ख्याल रखें, 2-2 इंच मिनिमम हो। तो ये तो खड्डे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, ये इस प्रकार आप इसका ऊपर का हिस्सा जो है वो आप ये ऊपर की तरफ रखें, और इसको इस प्रकार से आपने नीचे लगा देना है ज़मीन के साथ। और इसी प्रकार आपने दूसरा जो है खड्डा, यानी कि आपने इस आलू को सिर्फ हमने इतना ही डालना अंदर जितना कि ये अंदर चला जाए बस मिट्टी के। अब आप इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा दें, हल्का सा, और उसके बाद आप इसके वो जो है ये जो बालू रेत है इसके साथ आप इसको कवर कर दें, या फिर आप मिट्टी से भी कर सकते हैं। पर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो लेयर लगानी है इसके ऊपर, अब परत जो बिछानी है आपने, वो ज़्यादा मोटी ना हो, क्योंकि अगर आलू का जो प्लांट है जब वो ग्रो करेगा तब उसको बाहर निकलने में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए इसके ऊपर ये आप हल्की सी एक परत जो है सिर्फ खाली ढकने के लिए, और किसी मकसद से नहीं, सिर्फ ढकने के लिए आपने इतना इसके अंदर ये बालू रेत हल्का सा एक परत लगा दें, जिससे कि ये ढका रहे, और हाथ से इसको अच्छे से बिठा दें। आपका जब लेबल बन जाए तो आपने क्या करना है, पानी जो देना है इसको वो इसके बाद हम पानी देंगे। और ये पानी जो आप दोगे इसके अंदर, आप क्या करना है कि आपने स्प्रे बोतल से ही देना है। इससे ये होता है कि मिट्टी अपनी जगह से हिलती नहीं है, और दूसरा जो है हम अगर इसको दोबारा पानी देंगे तो इससे प्लांट डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप छिड़क भी सकते हैं पानी को ना, तो हाथ को नीचे ले जाएं और बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको पानी को छिड़क दें। मगर अगर आप डिब्बे वगैरह से देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। तो इन बातों को आप ध्यान रखें तो आप घर में ही अच्छे से आलू का प्लांट है जो लगा सकते हैं।
तो इसको रखने की बारी आती है। अब रखना इसको कहाँ पे है, हमें रखने के लिए इसको आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम शुरू हो चुका है, तो इसको बाहर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको बाहर ही पड़े रहने दें, या फिर आप किसी प्लांट के साथ इनको अगर रख दें इसको, तो इससे प्लांट जो है जल्दी ग्रो करता है। इससे प्लांट्स को फीलिंग अपनों जैसी आती है, तो उसमें प्लांट हमेशा खुश ही रहते हैं प्लांटों के बीच में। अगर आप अलग अलग रख देंगे तो ये इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा, बल्कि प्लांटों के बीच में करेगा। तो मैं इसे रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो रिजल्ट है 20 दिन के बाद का है। इसके अंदर दोनों के दोनों प्लांट जो हमारे आलू के हैं वो ग्रो हो गए हैं। एक छोटा है काफ़ी ही, और एक थोड़ा बड़ा हो गया है। तो एक आप देख सकते हैं, ये 1 से 1.5 इंची के बीच में ही गमला है जो भी है, जिसके अंदर मैंने इसको ग्रो किया है। आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो आप इजीली इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेस इसको ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको अब इसके हिसाब से इसको बीच में से काट के आधा इसके बीच में प्लेस करूँगा। ये मेरे पास जो डिब्बी है दही की खाली है, आपके पास कोई भी हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर एक बात का और सजेस्ट करूँगा कि आप जब प्लांट छोटा हो तो आप उसी के हिसाब से पॉट भी छोटा लें। आप यहाँ 6 इंची का पॉट ले सकते हैं। इसमें ड्रेनिंग होल आप अच्छे से कर दें, इस बात का ध्यान रखें। और इसकी मिट्टी जो है आपने वो वेल ड्रेन करनी है, जिसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर एक बढ़िया सा होल कर दिया है। अब मैं इसको प्लांट को इसके बीच में ग्रो करूँगा। अगर आपके पास ऐसी डिब्बी नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, छोटा पॉलीथीन वगैरह उसमें भी लगा सकते हैं आप इसको। अभी हमें पॉट में लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको बड़े प्लॉट पॉट में लगाएंगे तो यहाँ पर आपको होगा क्या कि आपको पानी ज़्यादा दे हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्लांट है जो ख़राब हो जाएगा। तो इसी हिसाब से जितना छोटा प्लांट हो उसी के हिसाब से आपको पॉट भी लेना है। अब मैं इसको काट लेता हूँ और अलग कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इजीली बाहर आ गया है। दूसरे वाले को मैं इसी में रहने देता हूँ जब तक वो थोड़ा और बड़ा होता है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी भी झाड़ लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रूट्स जो हैं किस प्रकार से डेवलप हुई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी रूट्स जो हैं अभी थोड़ी थोड़ी आ गई हैं, अभी इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई हैं। ये आपके सामने है, ये देखिए आलू का पीस हमने जो लगाया था। तो भी अच्छी खासी ग्रोथ इसकी हो जाएगी। तो अब हम इसको जो है, आपको मालूम होगा कि हमने इसके अंदर जो हमारी ग्रीन स्पाउटिंग कोई भी नहीं थी, ऐसे सिंपल सा आलू था जिसको मैंने काट कर ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से काट कर इसको ग्रो किया था। तो हमें इसके ऊपर स्पाउटिंग ग्रीन आने की जो है इंतज़ार नहीं करनी, ये इजीली ग्रो हो जाता है और आप इसको किसी भी मौसम में कर सकते हैं। तो इसकी जो मिट्टी है, अब इसको हम वेल ड्रेन बनाएंगे। इसके अंदर मैं थोड़ी सी पहले गोबर खाद मिक्स कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये गोबर खाद मिक्स कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब ये प्लांट हमारा ग्रो स्टेज के ऊपर है। जब आप ग्रोइंग स्टेज पे हो प्लांट, तब इसके अंदर कंपोस्ट डालें। जब आप इसको ग्रो कर रहे हैं तब मत डालें। अब मैंने इसके अंदर ये थोड़ी सी बालू रेत मिला दी है, और जो हमारी गार्डन की सोयल थी और वो है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दें, आप इस बात का भी ध्यान रखें, और इसके अंदर अच्छे से भर दें और थोड़ा ठोक भी दें, जिससे कि हमारी मिट्टी है जो बैठ जाए। अब इस प्लांट को मैं इसके अंदर ऐसे ही रख देता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा और, जब ये बड़ा हो जाएगा तब हम इसको बड़े पॉट में जो है शिफ्ट करेंगे। तो आप इसको अच्छे से भर दें ऊपर से। अब जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, अगर आप इस प्रकार से ग्रो करते हैं तो आपको अच्छे आलू आपको देखने को मिलेंगे।
तो इसका रिजल्ट भी मैं जब आएगा तो आपको मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि वीडियो के अंदर लोग आलू तो लगा लेते हैं मगर जब रिज़ल्ट की बारी आती है तब आलू उनके पास दो तीन या चार आलू ही होते हैं, बाकी वो छोटे छोटे से आलू होते हैं जो ना तो काटे जा सकते ना छिले जा सकते। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, किसी बोतल के साथ आप धीरे धीरे एक किनारे से इसके अंदर पानी डाल दें, और पानी भी आपने ज़्यादा नहीं देना है, इतना ही देना है जितना कि इसको ज़रूरत है, क्योंकि हमने इसके अंदर कंपोस्ट डाली हुई है, गोबर की खाद। अगर पानी ज़्यादा होगा तो गोबर की खाद के जो है सारा मटेरियल बहकर निकल जाएगा। अब आप उसको रखना कहाँ पे है, इसको रखने के लिए आपको एक शेडेड एरिया भी आप में रख सकते हैं, या फिर आप इसको अब अगर जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप आती हो ज़्यादा ना आती हो इसको वहाँ रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो आप किसी बड़े प्लांट के अंदर भी अभी इसको शेड में उसमें रख सकते हैं। तो बात करते हैं हम इसको लगाने की, इसके बड़े होने के बाद आप इसको लगाओगे कैसे, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपके पास इस प्रकार का कोई थैला हो सकता है जो आजकल चल रहे हैं, पीवीसी के बैग्स, प्रिंटेड बैग होते हैं ये, तो आपके लिए ये जो एक प्लांट है उसके लिए इतना ये जो है एरिया सफिशेंट है। आप देख सकते हैं कि ये कितना है, इसकी काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, इससे ज़्यादा इसके अंदर एक प्लांट को लगाना बड़े पॉट में तो बेकार होगा। तो आप इस प्रकार के किसी भी बैग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक मैं आपको और बता देता हूँ, आप आटे की 10 किलो की थैली का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक विकल्प और ये भी है कि मेरे पास ये कोरियर आया था, आप देख सकते हैं कंपनी से, तो ये हमारा जैसे आपको गार्डन की शॉप पर मिलता है ये वैसा ही मटेरियल है। ये देखिए अंदर से आप, ये बिल्कुल ब्लैक है, इसको हम ग्रोइंग बैग बोलते हैं। ग्रोइंग बैग भी बिल्कुल ऐसा ही होता है वो, पर वो थोड़ा सा इससे थिक होता है, पर आप इसको भी लेंथ इसके लिए ये भी काफ़ी है, सफिशेंट है। तो इसके अंदर आप कैंची से होल वगैरह कर दीजिए और इसके अंदर आप मिट्टी भरकर बड़ा होने, ये प्लांट को जब थोड़ा बड़ा हो जाए तब आप इसके अंदर इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप किसी 5 लीटर की बाल्टी वगैरह में भी इसको लगा सकते हैं। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो 12 इंची का गमला कम से कम लें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके अपनी स्क्रीन पर आपको ये कुछ वैरायटीज़ दिखा रहा हूँ जो वेजिटेबल की, जो कि आपको यहाँ पर 45 वैरायटी ये मिलने वाली हैं, जो कि काफ़ी सस्ते दामों में आपको मिल रही हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको सब्जियाँ दिखा देता हूँ। ये सब्जियों में आपको यहाँ पर भिंडी, करेला, घिया और ये मोगरे, बैंगन, शिमला मिर्च आपको तीनों तरह की यहाँ मिलेंगी, ग्रीन, येलो, रेड। बैंगन आपको दो तरह के मिलेंगे, एक इस तरह का मिलेगा और एक ये लंबे वाला बैंगन मिलेगा। और ये आपको गाजर मिलेगी, मूली आपको यहाँ पर, गाजर भी आपको दो तरह की मिल रही है, एक ऑरेंज और एक रेडिश। मूली आपको यहाँ पर रेड और वाइट मिल रही है, और ये आपको फ्रांसबीन, ये मटर हैं, टमाटर हैं, तोरी है, कद्दू है, ककड़ी, खरबूजा, शलगम, धनिया, ये सभी कुछ है। मतलब यहाँ पर टोटली 45 वेराइटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि आपको एक ही जगह पर कि ये कॉम्बो पैक मिल रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर ये जितनी की वैरायटियाँ हैं, नेट पे लेने का फ़ायदा ये है कि ये सारी की सारी वैरायटी जो है आपके सीड्स की, ये हाईब्रिड सीड मिलने वाला है। तो ये एरो कंपनी का है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक जानी मानी कंपनी है जिसके ब्रांडेड सीड ही होते हैं। और नेट से लेने का एक फ़ायदा एक और भी है कि ये अगर आप देखेंगे कि तो इनके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, यानी कि इसकी जो पुराना स्टॉक है वो रिप्लेस कर दिया जाता है नए स्टॉक के साथ। तो आपको जब भी आप इसको ऑर्डर करेंगे तो आपको ये नया सीड ही मिलने वाला है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, ये आपको एरो की सीड जो है 45 वैरायटी, 3,500 सीड हैं जो 249 रुपये यानी कि 250 रुपये के अंदर मिलने वाले हैं, और होम डिलीवरी फ्री है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प ये रहेगा
कि आपको फिर इसके बाद किसी भी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। 45 वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है घर के लिए, खेत तो है नहीं, तो ये आप इसको लीजिए, आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। I should fuck her in the Benz.